बोलो। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं खुद बीमार हूँ, मेरी मदद करो। आज के मेरे दिन घर वालों के पास पैसे नहीं है, हमारी मदद करो। आपकी मदद से मैं ठीक हो जाऊंगी। यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए, बच्ची का मसला है, मेरी मदद कीजिए। गरीब आदमी हूँ तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है मेरी मदद कीजिए। प्रणाम सभी को, राम राम। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, ये बच्ची ताहिरा कोसर है और इस बच्ची को ट्यूमर है और इसका इलाज जम्मू में भी हुआ लेकिन अब इसे जो है रेफ़र कर दिया है मुंबई के लिए। कश्मीर में भी हुआ, तीन कश्मीर में भी इलाज हुआ। कालाकोट के ये रहने वाले हैं, बड़े गरीब परिवार से हैं। इनके पिताजी जो हैं मजदूरी का काम करते हैं। अब इनके पास इतना पैसा नहीं है कि यह बच्ची का इलाज करवा सके। इनकी जहाज़ की टिकट की भी मदद किसी ने की है यहाँ से मुंबई तक जाने की, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। वैसे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी इनकी मदद की है, लेकिन आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोग इसकी मदद करें ताकि हम इस बच्ची का इलाज करवा सकें। आप बताओगे मुझे कब आपको पता चला इसको ये प्रॉब्लम है और किस किस ने मदद की अभी तक आपकी? हाँ, बहुत लोगों ने की है। हाँ, वो श्रीनगर से की थी लोगों ने, अभी तक यहाँ से जो यहाँ के HOD उन्होंने की है मदद, और श्रीनगर, हाँ बख्शीनगर, और श्रीनगर से लोग जब उधर थे उधर लोगों ने मदद की थी। तो इसको यहाँ पे अभी गया था मैं, बेयर हाउस में सरदार जी ने मेरी हेल्प की है और ये डॉक्यूमेंट्स भी बना के दिए और 5,000 हेल्प भी किए मेरे से। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ कि मेहरबानी करके मेरी बच्ची का इलाज होना चाहिए कि ये कभी कैंसर दिखाते हैं कभी ट्यूमर दिखाते हैं। यहाँ की मशीनों में कुछ क्लियर नहीं आया है तो सर HOD सर ने बोला कि यहाँ आप चले जाओ बम्बई में तो वहाँ पर इसका इंशाल्लाह इलाज अच्छा हो जाएगा। मेहरबानी करके मैं हर लोगों से अपील करता हूँ कि मेरी मदद करें। वो पूछ रहे थे आप कितने महीने से? 6 महीने से। अब 6 महीने हुआ जब से ये बीमार है, 6 महीने से बीमार है। अब हमारे पास कुछ गुजारा नहीं रहा तो इसलिए हमारी मदद की जाए, हम बच्ची को लेके बम्बे जा रहे हैं। अब आपके पास कुछ पैसे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है। अब खाने पीने का भी कुछ नहीं है तो इसकी टिकट भी किसी ने की है बुक, वो मदद से हुई है तो इसलिए हमारी मदद की जाए, हम बच्ची को लेके जाएं। बच्ची आपकी कितनी में पढ़ती है, पढ़ाई करती है? 10वीं क्लास में थी। हाँ, बीमार हो गई। बीमार हो गई, अब 6 महीने से ये स्कूल नहीं गई, 6 महीने से ऐसे हॉस्पिटल में है। ये मेरी आगे तक दी जाए, यहाँ तक आप दे बोल सकते हो, वहाँ तक जाए तो फोन नंबर भी हमने दिया है तो मेरी मदद की जाए। ये परिवार है कालाकोट से आया हुआ है, ये बच्ची है। इस बच्ची की हम सब अगर मिलके मदद करें तो इस बच्ची का इलाज हो सकता है। इनके पिताजी माताजी अपील कर रहे हैं आप लोगों को, कृपया करके इस गरीब परिवार की मदद करवाओ। आपकी मदद से इस बच्ची का इलाज हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ताहिरा कोसर इस बच्ची का नाम है, कालाकोट की रहने वाली है। आप कुछ और रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से? यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए, बच्ची का मसला है, मेरी मदद कीजिए। गरीब आदमी हूँ तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है मेरी मदद कीजिए। सर, कालाकोट बहुत बैकवर्ड इलाका है, कालाकोट से ही पीछे रहते हैं हम, वहाँ बहुत बैकवर्ड इलाका है, कुछ भी नहीं है वहाँ, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं। कभी देखा होगा आपने, वहाँ कुछ भी नहीं है बिल्कुल। हाँ, जंगल जंगल है वहाँ, कुछ भी नहीं है, 50 सालों से कोई डेवलप नहीं है सर, बिल्कुल जीरो। मैं इस बच्ची की मदद के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस वीडियो में अकाउंट नंबर डाल दूंगा। इस बच्ची को ट्यूमर है और बड़े गरीब लोग हैं, इनके पास खर्चा नहीं है इस बच्ची का इलाज के लिए। बख्शीनगर हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर साहब ने इनकी मदद की, मैं उन डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करूंगा। आपको नाम पता है डॉक्टर साहब का? संजीव गुप्ता जी, बहुत अच्छे आदमी। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी ने इनकी मदद की है, मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद करूंगा। कश्मीर में भी डॉक्टरों ने इनकी मदद की, लेकिन अब आगे का जो दारमदार है वो आप पे ही डिपेंड करता है। इस कालाकोट के परिवार को मदद करें, इस बच्ची की मदद करें ताकि हम इस बच्ची को बचा सकें। इस अकाउंट में जितने पैसे आप डाल सकते हैं डालें, आपके 1 रुपये की मदद भी इस बच्ची की मदद हो सकती है। धन्यवाद। राम राम।